नमस्कार दोस्तों, आप सभी का कुछ बातें बातें में स्वागत है। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, मोदी जी ने पूरा का पूरा जो कंपटीशन जो है ना, उसको एकदम रूथलेसली कंप्लीटली उसको खत्म कर दिया है। ठीक है, अगर आप भारत के पॉलिटिकल स्पेस पर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि हर जगह पर सेंट्रल एजेंसीज हैं जो कि बड़े बड़े नेताओं को उनके पीछे पड़ी हुई हैं। और कहीं ना कहीं मुझे एक बात याद आती है, वो बात ये है कि मोदी जी ने कहा था कि ना मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा। ठीक है, और ऐसा नहीं कि जब मैं बोलता हूँ रूथलेसली पूरा कॉम्पिटिशन खत्म किया है तो पॉलिटिकल वेंडेटा। ठीक है, कांग्रेस और जितने भी अपोजिशन पार्टीज हैं वो कहते हैं कि मोदी जी पॉलिटिकल वेंडेटा कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो है, मैं इस बात से सहमत भी हूं कि मोदी जी का कहीं ना कहीं पॉलिटिकल वेंडेटा तो काम कर ही रहा है। क्योंकि अगर आप जो फहरिस्त आप देखेंगे, लिस्ट आप देखेंगे नेताओं की, बड़े बड़े नेताओं की, जो कि अपने राज्यों में बड़े नेता थे, जो कि अपनी पार्टी, अगर राष्ट्रीय पार्टी है तो उनके लिए वोट लाने का काम करते थे, लोकप्रिय थे, और या फिर रीजनल पार्टी थे में थे, तो वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में काम करते थे। और मोदी जी ने वैसे ही नेताओं को चुन चुन कर टारगेट किया है और वैसे ही स्तंभों को, उन स्तंभों पर बार बार वार किया है। ठीक है, और उससे क्या हो कि उनकी जो नींवें हैं हिल गई हैं, और 2024 का जो इलेक्शन है ना उसको एकदम क्रिस्टल क्लियर साफ कर दिया है। चलिए आइए एक एक करके गिनते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हरियाणा से। हरियाणा के भूपिंदर सिंह हुडा मनेसर लैंड स्कैम में ईडी के सवालों के जवाब देते फिर रहे हैं। उसके बाद आते हैं हमारे जो मेन इंपॉर्टेंट है, लालू यादव एंड फैमिली। देखिए, लालू यादव का जो चारा घोटाला है जिसमें कि वो कन्विक्टेड है, उसके अलावा जब वो रेलवे मंत्री थे ना, एक बार चारा खाने की आदत लग जाती लग गई ना तो छूटती नहीं है। ठीक है, तो वो जो उनको जो चारा खाने की आदत थी जब वो रेलवे के मिनिस्टर बने, ठीक है, तो वहां पर उन्होंने एक काम किया, लैंड जॉब फॉर लैंड स्कैम, जिसमें कि भाई आपको जॉब मिलेगी और आप अपनी जमीन जो है लालू जी को बहुत ही सस्ते रेट में, मार्केट रेट पे आप बेच देंगे। और वहां पर जो है उसके जो बेनिफिशियरीज हैं उसमें तेजस्वी यादव है, मीसा भारती है, उनकी धर्मपत्नी है, पूरा परिवार ही एक तरह से घूम फिर के आ गया है वहां पर। और वहां पे ईडी को वहां पे काफी सबूत भी मिल गए हैं। और ये सब करके आप देखेंगे तो धीरे धीरे मोदी ने लालू और पूरे परिवार और आरजेडी की जो पूरी पॉलिटिक्स है उसको वहां पर खत्म करने की ओर बढ़ रहे हैं। कितने सक्सेसफुल होंगे नहीं होंगे वो बाद की बात है। उसके बाद हमारी है ममता बनर्जी। ममता बनर्जी के जो बड़े बड़े नेता थे ना, उनके आंख, हाथ, कान, राइट हैंड, लेफ्ट हैंड जो भी थे, वो जो थे ना, वो अधिकतर जो है वो जेल के अंदर आराम कर रहे हैं, मजे में पकड़े गए हैं, सबूतों के साथ, इतने इतने ज्यादा रुपए के साथ पकड़े गए हैं कि आप भाई आप मान भी नहीं सकते। घरों में एक एक फ्लैट खाली खाली रुपए रखने के लिए ही स्टोरेज बना रखा था। लेकिन सबसे ममता बनर्जी को सबसे ज्यादा परेशानी पता कहाँ पे है, उनके भतीजे, ठीक है, और उनकी बीवी, भतीजे की बीवी जो है वो भी ईडी के चक्कर में लगे हुए हैं। तो यहां पर भी वो ममता बनर्जी को मोदी ने एकदम रूथलेसली वीक कर दिया है, कमजोर कर दिया है, और इतना कमजोर उनको कर दिया है कि अगर मुस्लिम वोट जो है थोड़ा भी बटा ना तो ममता बनर्जी की पॉलिटिक्स धराशायी हो जाएगी। उन्हीं के पार्टी में एक महुआ मित्रा थी, खूब बोलती थी अदानी अंबानी और ये सब करती थी। और आजकल जो है सीबीआई से लेके पार्लियामेंट्री कमेटी और इन सब के पीछे अगल बगल दौड़ रही है, और साथ साथ में उनकी तो अभी तो मेंबरशिप भी चलेगी। उनके लिए तो खाली यही कहना होगा कि
हमें तो अपने ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। मेरी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। उसके बाद आप आइए केजरीवाल। केजरीवाल जी तो दारू में पूरी तरह फंस गए हैं। पीने की आदत नहीं है वैसे उनको, यहाँ तक मुझे पता है, लेकिन दारू घोटाले में ना बुरी तरह से फंसे हैं। और उसमें जो है गिरफ्तारी की जो तलवार है ना, उन पे हरदम लटक रही है। ईडी के समन्स आ चुके हैं, आते जा रहे हैं आते जा रहे हैं, और वो अपने आप को बिजी बताते जा रहे हैं बताते जा रहे हैं। तो उसमें फिर से एक और कहावत है, बकरी की माँ कब तक खैर मनाएगी। और वैसे ही उनकी जो पार्टी, उनको पार्टी को खत्म करने के लिए मोदी जी ने देखिए क्या किया है। मोदी जी ने कुछ नहीं किया है, उनके नेताओं ने ही बहुत सारे काम किए हैं। ठीक है, उसमें जो आपके संजय सिंह है, मनीष सिसोदिया है, उसके बाद सत्येंद्र जैन है, वो जेल में गए हैं। और जेल के बाद ऐसे गए कि भाई कोर्ट को भी नहीं लग रहा है कि भाई इनको हम बेल दे सकते हैं। उसके बाद आइए ममता, आपकी क्या बोलते हैं, सॉरी, झारखंड में आ जाइए। हेमंत सोरेन जो है, उनकी हालत भी जो है ना केजरीवाल की जैसी ही है। समन पे समन, समन पे समन आए जा रहे हैं ईडी के, और वो गायब होते जा रहे हैं। आज तो ऐसा हुआ कि भाई वो गायब हो गए सच्ची में, बाद में बड़ी मुश्किल से खोज खाज के मिले हैं। ठीक है ना, तो वो भी कुल स्कैम जो हुआ है उसमें वो भी फंसे हुए हैं, तो वो भी भागते फिर रहे हैं। मायावती पर भी काफी सारे करप्शन के केसेस थे, और ऐसे केसेस थे कि जब से भाजपा की सरकार आई है, ममता बनर्जी यूपी की पॉलिटिक्स में एकदम से ही क्या बोलते हैं, एकदम गायब ही हो गई हैं ना। तो बहुत ही कम जब इलेक्शंस होता है उस टाइम पे दिखती है, और उसके बाद वो फिर से गायब हो जाती है। उसके बाद छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल, जो वहाँ के भी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, चुनाव में हार गए, और उन पर तो महादेव ऐप है, उनकी बड़ी ही मेहरबानी है, और उसमें भी वो कहीं ना कहीं फंसते हुए लग रहे हैं। अखिलेश यादव की पार्टी जो है, उसको भी एकदम मतलब जमीन पे लाकर छोड़ दिया है मोदी जी ने। कैसे, वहां पे मोदी और योगी दोनों का कमाल है काफी ज्यादा। वहां पे अगर देखा जाए तो अखिलेश की पार्टी को, तो उसमें योगी का ज्यादा हाथ है। आप वो कैसे है देखिए, सुनिए, अखिलेश यादव की जो पार्टी है ना, एक तरह से मनी प्लांट की तरह है। मनी प्लांट दिखा है ना आपको, उसमें कुछ उसको सपोर्ट चाहिए, उसको लकड़ी से लगा दीजिए चाहे डंडा लगा दीजिए, तो उसके सहारे वो ऊपर चढ़ती है। तो अखिलेश की पार्टी जो समाजवादी पार्टी भी वैसी ही है। और उसमें जो लकड़ी का जो काम कर रहे थे, वो आपके आजम खान थे, मुख्तार अंसारी थे, अतीक अहमद थे, एक जो दुबे जी थी जिनकी उनकी जो गाड़ी थी पलट गई, वो लोग थे, वैसे वैसे लोग थे। और अतीक अहमद तो बेचारा भाई ऊपर ही चले गए। एनी वे, बाकी जो बचे आपके आजम खान, आजम खान का तो भाई बीवी बीवी बेटा सब जेल में ही आराम से बैठे हुए हैं। मुख्तार अंसारी, उनका भी धीरे 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 उनकी भी जड़ें काट काट के मोदी ने उनको मोदी योगी ने उनको जेल में घुसा दिया है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके एक एक करके टारगेटेड कर कर करके उनको सफाया किया गया है। और ऐसा नहीं कि एकदम नी जर्क रिएक्शन हुआ है, नी जर्क कुछ भी नहीं हुआ है, काफी ठंडे दिमाग से सोच समझ कर स्टेप्स बाय स्टेप्स काम किया गया है। उसके बाद आप आ जाइए शरद पवार जी, आपके एनसीपी में, एनसीपी के कर्ता धर्ता थे भाई। उनके जो भांजे हैं वो पार्टी आधी तोड़ के लेके भाग लिए, आधी से ज्यादा 70-80% तो लेके भाग गए बीजेपी के साथ आगे। बाकी जो बची वो जो उनके फैमिली मेंबर्स हैं, वो लोग भी काफी सारे ईडी के चक्करों में इधर उधर घूम रहे हैं। तो शरद पवार को भी वहां से खत्म कर दिया गया। तेलंगाना में भाजपा ने और मोदी ने, जब ये इलेक्शंस हो रहे थे, तो उसमें पूरा दमखम नहीं लगाया। दमखम लगाते थे शायद से कहीं ना कहीं कांग्रेस की वहां पर सरकार नहीं बनती, लेकिन वहां पर लगता है कि शायद से मोदी जी को ये लगा होगा या फिर भाजपा को ये लगा होगा कि कांग्रेस से डायरेक्टली लड़ना जो है फायदेमंद है, इंस्टेड ऑफ किसी भी रीजनल पार्टी से लड़ना। तो वो उनको एक लगा, और शायद से उन्होंने लगा कि कांग्रेस को आ जाए तो उसके बाद से फिर वो क्या बोलते हैं, एक्सेलेटर पे पांव दबाएंगे। और उसके बाद डीएमके के भी काफी सारे नेता जो है ईडी और सीबीआई के चक्कर में लगे हुए। तो अगर आप इन सब देखेंगे, इन सारी बातों को,
तो आपको पता चलेगा कि जितने भी काम किए गए हैं मोदी जी ने, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, उसमें आपको ये पता चलेगा कि भाई बहुत ही ठंडे दिमाग से एकदम स्ट्रैटेजी बनाकर धीरे धीरे करके जो उनके जो पॉलिटिकल कॉम्पिटिटर्स हैं उनको खत्म कर दिया गया या फिर खत्म किया जा रहा है। और ऐसे खत्म किया जा रहा है कि लोगों को पता नहीं चल रहा है कि कोई खुलकर वेंडेटा पॉलिटिक्स भी नहीं बोल पा रहा है। और अगर नी जर्क में हुआ होता तो वेंडेटा पॉलिटिक्स के लिए आपको इंटरनेशनल मीडिया, नेशनल मीडिया, आपके इंटेलेक्चुअल्स, लिबरल्स सब बोलते हैं। और अभी ऐसा क्या हुआ, इतने इतने ठंडे तरीके से किया गया है कि भाई जो ये आपके लिबरल्स वाले जो हैं पॉलिटिशियन हैं वो लोग गला फाड़ फाड़ के बोल रहे हैं कि वेंडेटा पॉलिटिक्स, वेंडेटा पॉलिटिक्स। और जो पब्लिक है वो बोलती बोल रही है कि भाई जैसा तुमने काम किया है उसी का नतीजा ऐसा है। तो यानी कि मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं और इस बात के धन क्या बोलते हैं, मोदी जी को कहीं ना कहीं शाबाशी देनी ही पड़ेगी। और ये शाबाशी शायद से जिस तरह से मोदी जी ने कंपटीशन खत्म कर दिया है चुनाव से पहले, तो उसका फायदा कहीं ना कहीं मोदी जी को जो उनकी जो नंबर ऑफ सीट्स है उसमें बढ़ता हुआ दिखेगा। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।